तो इस वीडियो में आप लोगों को ऐसे कॉलेज के बारे में बताने जा रहा हूं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफ कैंपस में लोकेटेड है, स्टिल वो नॉर्थ कैंपस के काफी कॉलेजेस से बेटर माना जाता है क्योंकि उसका जो प्लेसमेंट रेट है वो एक्सेप्शनली काफी हाई है। और भी काफी चीजें हैं जो इसकी काफी नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस के कॉलेजेस से बेटर है, वो सारी चीजें जैसे कि प्लेसमेंट हो गया, फैसिलिटीज होगी, कैंपस टूर हो गया, सीयूईटी स्कोर हो गया, नियरेस्ट हैंगआउट प्लेसेस होगी, सारी इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको देने वाला हूं। मतलब ऐसा नहीं रहेगा कि यार कैंपस टूर करा दिया, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन दे दी, सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आपको एक कॉलेज में जाने से पहले चाहिए होती है। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। तो यार सबसे पहले जो आपका शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज है, जिसको पॉपुलरली CBS भी बोला जाता है, ऑफ कैंपस का कॉलेज है। लोकेशन की बात करूं तो यार ये रोहिणी सेक्टर 16 में लोकेटेड है। नियरेस्ट मेट्रो की बात करूं तो अगर आप रेड लाइन से आ रहे हो तो रिठाला नियरेस्ट मेट्रो है। रिठाला मेट्रो से अगर आप रिक्शा लोगे तो सीधा सीधा 2 किलोमीटर के अंदर ही आपका शहीद सुखदेव कॉलेज है। अगर आप येलो लाइन से आ रहे हो तो सेक्टर 18 और 19 आपके लिए नियरेस्ट रहेगा। अब कोर्सेज ऑफर की बात करूं जो कि काफी यूनिक और काफी अलग है और कॉलेज से, जैसे कि यहाँ पे अंडर ग्रेजुएशन के खाली 3 ही कोर्सेज प्रोवाइड करे जाते हैं, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज BBA FIA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, BSc ऑनर्स इन कंप्यूटर साइंस। ये केवल 3 कोर्सेज प्रोवाइड करे जाते हैं और ये मान लो कि आपको इन 3 कोर्सेज के अंदर यहाँ पे स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करी जाती है। साथ ही में ये बिजनेस मैनेजमेंट का टॉप कॉलेज है। अब यार बात करूं प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी की, तो अगर आप BSc कंप्यूटर साइंस ऑनर्स करना चाहते हैं तो आपने CUET में 1 लैंग्वेज मैथमेटिक्स और 2 डोमेन दिए होने चाहिए, तभी आपको इसके अंदर एडमिशन मिल पाएगा। अब मैं बात कर लेता हूं CUET स्कोर की, जो आप बेसब्री से जानना चाहते होगे, तो अगर आप BBA परस्यू करना चाहते हैं, क्योंकि BBA सिर्फ 2 ही कॉलेजेस के अंदर है पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, तो इसकी जो कट ऑफ है एक्सेप्शनली ऑब्वियसली हाई रहेगी क्योंकि सीट्स इतनी कम है, तो यहाँ पे अगर आपके 600 प्लस है तो ही आपको जनरल कैटेगरी के अंदर एडमिशन मिल पाएगा। SC ST में हो तो यार 450 में भी आपको इसके अंदर एडमिशन मिल जाएगा। BMS के लिए बताऊं तो थोड़ा कम रहता है क्योंकि और कॉलेजेस भी हैं जो BMS प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे EWS कैटेगरी का बताऊं तो 592 से 510 में एडमिशन मिल जाएगा BMS में। OBC का 540 के अंदर भी मिल जाएगा, ST को 440-450 के अंदर भी एडमिशन मिल जाएगा, और जनरल कैटेगरी के लिए भाई 550 प्लस चाहिए अगर BMS परस्यू करना चाहते हो। तो अब बात कर लेते हैं प्लेसमेंट के बारे में जिसकी इतनी चर्चा है। तो यार इनका प्रॉपर प्लेसमेंट सेल है, बहुत ही एक्टिव है। जो 2022 से 23 की बात करूं तो 78 कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया था रिक्रूटमेंट में, जिसके अंदर टोटल 252 ऑफर दिए गए थे स्टूडेंट्स को। प्लेसमेंट रेट की बात करूं तो 88.42% स्टूडेंट प्लेस्ड हुए थे, मतलब 100 में से 88% स्टूडेंट प्लेस्ड हुए थे, मतलब बहुत ही अच्छा रेट है यार ये तो। हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करूं तो 44.5 लाख पर एनम गया था, जो कि मेरे हिसाब से दिल्ली यूनिवर्सिटी का सेकंड हाईएस्ट पैकेज है आफ्टर LSR। एवरेज पैकेज की बात करूं तो 11.11 लाख पर एनम, एवरेज भी इनका काफी बढ़िया है, 10 लाख से ऊपर जा रहा है। कंपनीज विजिटेड की बात करूं तो यार आपको यहाँ पे शो भी हो रही होगी, बेन कैपेबिलिटी नेटवर्क, इसी ने 40 स्टूडेंट्स को रिक्रूट किया था। इसके अलावा बोस्टन कंसल्टिंग कंपनी, FTI कंसल्टिंग, डीशो ग्रुप, ये सारी कंपनीज यहाँ पे पार्टिसिपेट करती है, जो आपको साइड में शो भी हो रही होगी। अब यार एक क्वेश्चन काफी बच्चों का रहता है कि यहाँ पे प्लेसमेंट में बैठने के लिए क्या इंटर्नशिप करना मैंडेटरी है। तो हाँ भाई, अगर आपको प्लेसमेंट में बैठना है तो आपने मिनिमम 6 से 8 वीक्स का इंटर्नशिप किया होना चाहिए। अब यार इंटर्नशिप मिलेगी कहाँ से, तो यार कॉलेज प्रॉपर इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करता है आपको, समर इंटर्नशिप और क्वालिटी इंटर्नशिप आपको कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड करी जाती है। अब बात कर लेते हैं कैंपस फैसिलिटीज और उसके बाद कॉलेज का कैंपस टूर देखेंगे। तो यार सबसे पहले तो हॉस्टल फैसिलिटीज इस कॉलेज के अंदर है, जो कि सबसे अच्छी बात है। नंबर ऑफ सीट्स की बात करूं हॉस्टल में तो 88 बॉयज के लिए है और 75 सीट्स गर्ल्स के लिए है। हॉस्टल फैसिलिटीज की बात करूं तो आपको साइड में शो भी हो रही होगी, मेस फैसिलिटी, वाईफाई, कॉमन रूम विद टीवी फैसिलिटी, एयर कंडीशनल रूम्स, इंडोर गेम, ओपन जिम फैसिलिटी, वाटर कूलर, इसके अलावा लॉन्ड्री फैसिलिटी, लिफ्ट फैसिलिटी, ये सारी चीजें आपको दिख रही होंगी। अब कैंपस एरिया की बात करूं तो यार 5 एकर्स में इसका कैंपस बना हुआ है, तो आपको छोटा लग रहा होगा पर ऐसा नहीं है, क्योंकि यार जो मोस्टली कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी के वो ऐसे फैले हुए हैं, लेकिन ये जो है वो हाइट में फैला हुआ है। यहाँ पे आपको 8 फ्लोर्स देखने को मिलते हैं विद बेसमेंट, जिसके अंदर पार्किंग भी अवेलेबल है। 4 सेमिनार रूम है कॉलेज के अंदर, जिसमें 100 कैपेसिटी है हर एक सेमिनार रूम की। क्लासरूम की बात करूं तो एयर कंडीशन क्लासरूम है वाईफाई फैसिलिटीज के साथ। मोस्टली दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में आपको एयर कंडीशनल रूम नहीं मिलेंगे, पर यहां पे आपको एयर कंडीशन और वाईफाई फैसिलिटी दोनों प्रोवाइड करी जाती है। लाइब्रेरी की बात करूं तो यार 2 फ्लोर में फैली हुई काफी बड़ी लाइब्रेरी है, जिसके अंदर आपको बुक्स, जर्नल्स और ई रिसोर्सेज मिल जाते हैं, तो लाइब्रेरी भी इनकी काफी बढ़िया है। कैंटीन की बात करूं तो मेन कैंटीन की ग्राउंड फ्लोर में लोकेटेड है, जिसके रिव्यूज काफी बढ़िया है। इसके अलावा एक नेस्कैफे और अमूल का भी आउटलेट है, जो कि कॉलेज के प्लेग्राउंड के पास में है। इसके अलावा कॉलेज के अंदर ऑडिटोरियम भी है, जो कि 2 फ्लोर में फैला हुआ है। कैपेसिटी की बात करूं तो 424 स्टूडेंट्स इस
ऑडिटोरियम हॉल में आ सकते हैं, वाईफाई एयर कंडीशनल आपका ऑडिटोरियम है। स्पोर्ट्स ग्राउंड की बात करो तो लश ग्रीन प्ले ग्राउंड है जिसके अंदर लार्ज एम्फी थिएटर एरिया है। एम्फी थिएटर एरिया वो होता है यार, एक ओपन स्पेस एरिया होता है जिसके अंदर जो अपने हमारे थिएटर वाले होते हैं, डांस या म्यूजिक वाले होते हैं, वो अपना प्रैक्टिस करते हैं। और मेजरली जो छोटे मोटे फेस्ट होते हैं वो भी एम्फी थिएटर एरिया के अंदर ही होते हैं। प्ले ग्राउंड के अंदर फुटबॉल क्रिकेट वॉलीबॉल ग्राउंड आपको देखने को मिल जाता है, ओपन जिम भी आपको देखने को मिलता है। एक स्पोर्ट्स रूम है जिसके अंदर आपको इंडोर गेम्स भी मिल जाता है, लाइक टेबल टेनिस, चेस वगैरह भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके अलावा मेरे को जो काफी अच्छी लगी ये चीज, यहाँ पे अंडरग्राउंड पार्किंग आपको देखने को मिलती है कॉलेज के अंदर ही, जो कि खाली स्टाफ के लिए नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए भी है। उसी के अंदर लिफ्ट है, आप अपना पार्किंग पे अपने व्हीकल लगा के आप इजीली लिफ्ट के थ्रू जा सकते हो, जो कि काफी बढ़िया चीज लगी। इसके अलावा एक ग्रीन बिल्डिंग भी है जिसके अंदर जो वेस्ट वाटर होता है या वेस्ट चीजें होती है उसको फिल्टर करके रिसाइकिल किया जाता है, दोबारा यूज किया जाता है। कंप्यूटर लैब की बात करो तो 6 कंप्यूटर लैब आपको इस कॉलेज के अंदर देखने को मिलते हैं, 2 बीएमएस के लिए, 2 बीएससी कंप्यूटर साइंस के लिए, 1 बीबीए के लिए और 1 यहाँ पे पीजी का कोर्स है उसके लिए। सोसाइटीज की बात करो तो 40 सोसाइटीज इस कॉलेज के अंदर देखने को मिलती है, जिसके अंदर एनेक्टस एनएसएस जैसी सोसाइटीज भी है, एंटरप्रेन्योरशिप शेल भी है, इसके अलावा डांस म्यूजिक थिएटर इस तरह की सोसाइटीज तो ऑब्वियसली है ही। यहाँ पे आपको साइड में दिख रही होगी कौन कौन सी सोसाइटीज है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक प्रोवाइड करूंगा जिसमें सोसाइटीज के नेम और उनके जो लीडर्स हैं उनका भी नेम आपको मिल जाएगा। अब बहुत होगी कॉलेज फैसिलिटीज की बात, अब देख लेते हैं कैंपस। लास्ट में दो शानदार चीजों की बात करने वाला हूँ। पहला है एनुअल फेस्ट, तो यार इनका एक एनुअल फेस्ट होता है क्रिसेंडो जो कि काफी बढ़िया होता है। अब कुछ आपको रैपिड फायर फैक्ट्स बताने वाला हूँ कॉलेज के बारे में। 66.7% आपको अटेंडेंस मेंटेन करनी पड़ेगी। नियरेस्ट हैंग आउट प्लेसेस की बात करूँ तो मेट्रो वॉक, एडवेंचर आइलैंड है पास में, यूनिटी मॉल है, सिनेपोलिस मॉल भी है और सिनेपोलिस सिनेमा भी है, वहां पे आप मूवीज वगैरह देख सकते हो। जैपनीज पार्क जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट पार्क है वहां भी आप एंजॉय कर सकते हो, कॉलेज के पास में ही है। अलावा कैफेज की बात करूँ तो सेक्टर 16 के अंदर मामाज किचन है जो कि काफी बढ़िया है। इसके अलावा अगर आप साउथ इंडियन ट्राई करना चाहते हो तो मद्रास कैफे भी है। इसके अलावा कॉलेज के सामने ही रामलीला ग्राउंड है जिसके अंदर बहुत बढ़िया मेला लगता है दशहरा के टाइम पे, और आप बहुत अच्छा एंजॉय करोगे अगर आप हॉस्टल में वहां रहते हो या फिर कॉलेज में भी वहां रहते हो तो आप इजीली वहां पे जा सकते हो। तो यार ये था शहीद सुखदेव कॉलेज के बारे में कंप्लीट रिव्यू, होप आपको पसंद आया होगा। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और किस कॉलेज पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए वो भी आप मेरे को बता सकते हो। इसके अलावा काफी कॉलेजेस की मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, प्लेलिस्ट आप जाके चेकआउट कर लेना और ना कमेंट सेक्शन के अंदर भी पिन कर दूंगा। ऑल द बेस्ट।